नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अनुसार जो अनाज लोगों को देती है उसके लिए चावल पर 3 रुपए, गेहूं पर 2 रुपए और मोटे अनाज पर 1 रुपए हमारे गरीब भाई बहनों को भी भुगतान करना पड़ता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी देश भर में। राशन कार्ड, फ्री राशन योजना में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, अब केवल ये लोग ही उठा सकेंगे फायदा। राशन कार्ड लेटेस्ट न्यूज, योजना के तहत 80 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को हर महीने मुफ्त अनाज मिलता है। केंद्र की तरफ से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मुफ्सा के तहत अप्रैल 2020 में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना उमदकाय शुरू की गई थी। फ्री राशन योजना, अगर आप भी केंद्र सरकार की तरफ से संचालित की जाने वाली फ्री राशन योजना का फायदा लेते हैं तो यह खबर आपके काम की है। पिछले दिनों सरकार ने राशन कार्ड धारकों को नए साल का बड़ा तोहफा देते हुए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना उमदकाय की अवधि को 1 साल के लिए बढ़ाया था। उमदकाय के तहत पहले 31 दिसंबर 2022 तक मुफ्त अनाज मिलना था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 तक कर दिया गया है। हर महीने मुफ्त में मिलता है अनाज। सरकार की इस योजना के तहत 80 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को हर महीने मुफ्त अनाज मिलता है। केंद्र की तरफ से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत अप्रैल 2020 में पीएम गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत कोरोना काल से ही 81.3 करोड़ लोग मुफ्त में अनाज ले रहे थे। इस योजना के तहत ऐसे लोगों को भी सरकार की तरफ से फ्री राशन मुहैया कराया जा रहा था जिनके पास राशन कार्ड नहीं। अप्रैल 2020 में शुरू हुई योजना गरीब राशन कार्ड धारकों को ही अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त गेहूं चावल दिया जाएगा। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था। कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब इस योजना को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मर्ज कर दिया गया है। योजना के तहत खर्च होने वाले 2 लाख करोड़ रुपए का पूरा खर्च केंद्र की तरफ से उठाया जाएगा। इसमें राज्यों से पैसे नहीं वसूले जाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तहत सरकार गेहूं, चावल और मोटा अनाज 1 से 3 रुपए प्रति किलो की रेट से उपलब्ध कराती है। केंद्र की तरफ से कहा गया कि यह राशि दिसंबर 2023 तक कार्ड धारकों से नहीं वसूली जाएगी।